Assalamu alaikum friends, Global Corner mein khush aamadeed. Please subscribe my channel and press the bell icon. Viewers, aaj main aapko dramatical mohabbat na kariyo ke next episode ka promo bataungi. Next episode ke promo mein dikhaya jata hai ki Rabeea ko Asad ki maa call karti hai aur kehti hai, maine tum par trust kiya aur tumne kya kiya mere saath. जिस पर राबिया कहती है तो आपको नहीं करना चाहिए था ना ट्रस्ट मुझ पे, और अब मैं आपकी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ बल्कि अब मैं आपकी बहू भी हूँ. जिसके बाद दिखाया जाता है कि राबिया असद को भड़काती है कि मुझे लगता है कि वो इस सब से खुश नहीं है, तभी उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई. मुझे लगता है कि वो ज़ारा के साथ भी यही करती होंगी. ये सुनकर असद अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरे फ्लाई करते ही आपने राबिया को इतनी बातें सुना दी. तो उसकी माँ कहती है अरे मैंने क्या कहा है उसे. जिसके बाद दिखाया जाता है कि असद की माँ दोबारा से राबिया को कॉल करती हैं और कहती हैं कि पहले मैं सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, इस वजह से मैंने ऐसे रिएक्ट किया, लेकिन अब मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए, और वैसे भी अब तो तुम मेरे बेटे की बीवी हो और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो. और पीछे से ज़ारा आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है. और ज़ारा कॉल करती है असद को, रोते हुए कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, तुमने दूसरी शादी कर रखी है ना, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है. व्यूअर्स, ये तो था प्रोमो. जब ज़ारा अपनी सास की ये सारी बातें सुनेगी तो वहीं पर बेहोश हो जाएगी और उसकी सास उसे बहुत ही मुश्किल से संभालेगी. और फिर ज़ारा भागती हुई जाएगी अपने कमरे में और अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी. व्यूअर्स, ये होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में. आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है और आप लोगों को क्या लगता है कि अब असद कौन सा बहाना लगाएगा या फिर वो राबिया को छोड़कर वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा. हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.